अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिर्च मसाला चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मखनी कढ़ाई। अगर आप बहुत ही मसालेदार टमाटर प्याज की भुनी भुनी डिशेस खाकर फेड अप हो चुके हैं और कुछ टेस्ट को अपने चेंज करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लेते हैं एक कढ़ाई, स्टोव को कर देते हैं हम ऑन। इसमें शामिल करते हैं 3 टेबलस्पून ऑयल, 100 ग्राम बटर लिया था गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा मैंने साइड पे कर लिया है। बाकी बटर को हम मेल्ट कर लेते हैं। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा प्याज। बहुत से लोगों को ये कढ़ाई बनाते हुए शिकायत होती है कि हमारी ग्रेवी थिक नहीं होती, हमने बहुत ज़्यादा योगर्ट डाला बट हमारी कढ़ाई की जो ग्रेवी है वो थिक नहीं हो पाई। इस प्याज को डालने का पर्पज़ ये है कि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी थिक हो जाती है। अब इसमें शामिल करते हैं हम चिकन। चिकन मैंने 450 ग्राम लिया था, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई होने तक वेट करते हैं। चिकन पकना शुरू हो गया है, अब हम इसमें शामिल करते हैं अपने तमाम स्पाइसेस। सॉल्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट इसलिए लिया है कि मैंने बटर सॉल्टेड यूज़ किया था। आप अगर अनसॉल्टेड बटर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर सॉल्ट की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। शामिल करते हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं। तमाम स्पाइसेस को चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी शामिल करते हैं इसमें हरी मिर्च। शामिल करते हैं योगर्ट, 1 कप योगर्ट। इसको थोड़ा सा कुक करते हैं। इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है, अब हम इसको लिड से कवर कर देते हैं 10 मिनट्स के लिए। मिनट्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये योगर्ट है, योगर्ट के पानी में ही ये बहुत अच्छी सी गल जाएगी। थोड़ा सा फ्लेम को स्लो कर देते हैं, फिर शामिल करते हैं इसमें क्रीम। इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है, हम इसको हाई फ्लेम करके पानी ड्राई होने तक वेट करते हैं। बटर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और जो हमने इसमें क्रीम शामिल की थी उसकी वजह से ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। अब हम कर देते हैं अपने फ्लेम को ऑफ और इसको कर देते हैं डिश आउट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जल्द ही हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।